टॉपिक पढ़ेंगे इस चैप्टर का, सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम। ठीक है ना, ये तक हम लोग पढ़े थे आईनी के जुड़े, अब हम लोग पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम। ठीक है ना, तो इसमें हम लोग जो है सॉल्यू देखेंगे, आयनिक कंपाउंड जो होता है वो अगर सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे देखेंगे तो तीन कैटेगरी में बांट सकते हैं, समझ गए। तो पहला जो है कोई भी आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड को हम लोग तीन क्लास में दे सकते हैं। पहला होगा कैटेगरी वन, ठीक है। कैटेगरी वन का जो होता है सॉल्युबिलिटी, इसका सॉल्युबिलिटी जो होता है कैटेगरी वन में ग्रेटर देन 0.1, सॉल्युबिलिटी जो होता है 0.1 से ज्यादा होता है, समझ गए। ये हो गया, इस कैटेगरी वन को हम लोग बोलते हैं सॉल्युबल, है ना। आयनिक कंपाउंड को हम लोग सॉल्युबिलिटी के आधार पर, आयनिक कंपाउंड इन वाटर, ठीक है, एक्वा सॉल्यूशन का बात करते हैं, आयनिक कंपाउंड से वाटर में डिजॉल्व करने पर। तो अगर वो आयनिक कंपाउंड का सॉल्युबिलिटी 0.1 है, मतलब क्या हुआ, एक लीटर में 0.1 मोल घुल जाता है, 1 लीटर वाटर में 0.1 मोल घुल जाता है, तो ये सॉल्युबल कहलाएगा इस तरह का सॉल्यूट, समझ गए। इसका दूसरा कैटेगरी है कैटेगरी टू, इसमें जो है सॉल्युबिलिटी जो है मॉडरेट होगा, ठीक है। सॉल्युबिलिटी जो है, सॉल्युबिलिटी लेस देन 0.1 और ग्रेटर देन 0.01, मतलब सॉल्युबिलिटी जो है इस दोनों के बीच में। सॉल्युबिलिटी क्या हुआ, 0.01 से लेकर के 0.1, अगर ये इस रेंज में सॉल्युबिलिटी है, समझ गया, मतलब 0.01 मोल से लेकर के 0.1 मोल सॉल्ट जो है एक लीटर पानी में घुल जाता है, तो ये कहलाता है स्लाइटली सॉल्युबल, ठीक है। ये हो गया सॉल्युबल सॉल्ट कैटेगरी, और ये हो गया स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट, मतलब थोड़ा बहुत होता है ना, ठीक है ना, मॉडरेटली जिसको बोलते हैं, स्लाइटली सॉल्युबल मतलब मॉडरेटली सॉल्युबल हो गया, ठीक है। और तीसरा कैटेगरी लेते हैं, कैटेगरी नंबर थ्री हो गया, ठीक है। कैटेगरी थ्री मतलब हुआ सॉल्युबिलिटी जो है इससे भी कम होगा, ठीक है। सॉल्युबिलिटी भी क्या है, इससे ज्यादा है, है ना, स्पेरिंगली सॉल्युबल मतलब उससे भी कम हो जाएगा, तभी ना सॉल्युबिलिटी क्या होगा, लेस देन 0.01, इससे भी कम अगर सॉल्युबिलिटी हो गया, इससे, ये लोअर रेंज है ना, ये अपर रेंज है, ये लोअर रेंज है, तो लोअर रेंज से भी कम सॉल्युबिलिटी हो गया, लोअर रेंज से भी कम सॉल्युबिलिटी जब हो गया, इसको बोलते हैं स्पेरिंगली सॉल्युबल, इसको क्या बोलते हैं, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, समझा। तो सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर हम लोग आयनिक सॉल्ट को, आयनिक कंपाउंड को तीन कैटेगरी में बांटते हैं, सॉल्युबल सॉल्ट, स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट एंड स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट।
अभी जो हम लोग सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे और इसको पढ़ेंगे कैटेगरी 3 को, ये दोनों नहीं पढ़ेंगे, समझ गया ना? मतलब बहुत ही कम सॉल्युबल, नाम मात्र का नेग्लिजिबल अमाउंट में जो सॉल्युबिलिटी होता है ना वो वाज कैटेगरी 3, ये तो मॉडरेट हुआ, समझ गया? और ये तो हाईली सॉल्युबल हुआ, पूरा जल, और ये क्या हो गया, स्पैरिंगली सॉल्युबल, जिसको एक्सपीरियंस होगा वही समझ भी पाएगा कहाँ सॉल्युबल हुआ है। नया नया आदमी तो समझ भी नहीं पाएगा कि सॉल्युबिलिटी भी कुछ है, ठीक है ना? जैसे कि हम लोग लाइम वाटर बनाते हैं तो उसमें हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक चुटकी डाल देते हैं एक गिलास में, नहीं घुलता है, समझ गया? सब लगता है ऐसे पड़ा हुआ है, हल्का फुल्का घुलता है, हमको लगता है कि दो चार दस पार्टिकल घुला होगा, बस बहुत है, फिल्टर कर दो फिर से वापस उतना ही चुना तुमको हाथ में आ जाएगा, जितना दिए थे उतना ही, कुछ पता ही नहीं चला घुला गया, लेकिन जब उससे हम कार्बन डाइऑक्साइड पास कराते हैं मिट्टी व्हाइट हो जाता है, तब पता चलता है लो इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड घुला है लेकिन बहुत कम घुला है, समझिए ना? तो उसी तरह का ये सही है एक्सपायरिंग ये सॉल्व। तो हम लोग जो है यहाँ पर ये दोनों कैटेगरी के बारे में ही पढ़ेंगे, हम लोग इसके बारे में, अब कुछ नया नहीं पढ़ रहे हैं, वही इक्विलिब्रियम जो पढ़ते आ रहे हैं वही यहाँ पढ़ेंगे, समझ गया ना? वही यहाँ देखेंगे, समझ में आया बात? यहाँ पर हम किसके किसके बारे में पढ़ेंगे, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, ठीक है? आ गया समझ में, क्लियर हुआ? हाँ ठीक है, कोई भी चीज सॉल्युबल है या नहीं है वो ये दोनों एनर्जी डिसाइड करता है, समझ गए? कोई चीज पानी में घुलेगा या नहीं घुलेगा, समझ गए? ये दोनों डिसाइड करेगा, दैट इज एंथैल्पी एंड सॉल्वेशन एनर्जी। दैट इज एंथैल्पी क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द वन मोल ऑफ क्रिस्टल, ठीक है, पढ़ाए हुए पहले भी है ना? तो लैटिस एंथैल्पी क्या है, एनर्जी रिक्वायर टू ब्रेक और स्प्लिट वन मोल ऑफ क्रिस्टल, है ना? आयनिक कंपाउंड क्रिस्टल फॉर्म में रहता है ना, हा? तो क्रिस्टल को तोड़ने में, चीनी कैसा रहता है क्रिस्टल फॉर्म में रहता है, नमक कैसा रहता है क्रिस्टल के फॉर्म में रहता है, तो क्रिस्टल को ब्रेक करने के लिए वन मोल ऑफ क्रिस्टल को ब्रेक करने के लिए जितना एनर्जी चाहिए उस एनर्जी को हम लोग लैटिस एंथैल्पी से, यानी ये जितना कम होगा उतना अच्छा जल्दी टूटेगा तो उतना जल्दी सॉल्व होगा, ये है एनर्जी, यानी ये एनर्जी रिक्वायर्ड है तो ये पॉजिटिव होगा, ये एनर्जी एब्जॉर्ब होगा ना, ये एनर्जी एब्जॉर्ब होगा तो लैटिस एंथैल्पी क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, लैटिस एंथैल्पी पॉजिटिव होगा ना, क्योंकि एनर्जी रिलीज नहीं होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, रिक्वायरमेंट है एनर्जी का, आया बात समझ में? और सॉल्वेशन एनर्जी क्या है, एनर्जी रिलीज, एनर्जी रिलीज, व्हेन आयंस गेट सॉल्वेटेड, सॉल्वेटेड मतलब क्या, भींगना, ये टूट गया, टूटने के बाद उसके ऊपर पानी जो है उसके ऊपर कवर करेगा, कवरिंग बनाएगा, पानी इसको गीला करेगा, चारों तरफ से भिगाएगा आयंस को, है ना? तो उस केस में एनर्जी रिलीज होता है, तो ये एनर्जी क्या होगा, एनर्जी रिलीज हो गया, ये क्या होगा, नेगेटिव ना होगा, तो सॉल्वेशन एंथैल्पी क्या होगा, नेगेटिव, इसको क्या लिखते हैं, लैटिस LA TT लिखते हैं, ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव, ठीक है, और एंथैल्पी ऑफ सॉल्वेशन, ठीक है ना, एंथैल्पी ऑफ सॉल्वेशन क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है, समझ में आया? तो अगर एंथैल्पी ऑफ सॉल्वेशन ज्यादा हो जाएगा लैटिस एंथैल्पी से तो घुलेगा, समझ गया? कोई भी चीज सॉल्युबल होने के लिए कंडीशन क्या है, ये एनर्जी रिलीज है, यही एनर्जी यूज होगा उसको तोड़ने में, समझ गया ना? हाँ आई बात समझ में ना? तो
जब तक टूटेगा नहीं क्रिस्टल घुलेगा नहीं, घुलने के लिए तोड़ना जरूरी। तो एनर्जी जब रिलीज होगा, सॉल्वेशन एंथैल्पी अगर ज्यादा होगा तो उसको मिल जाएगा एनर्जी। यानी हमेशा सॉल्वेशन एंथैल्पी लैटिस एंथैल्पी से ज्यादा होना चाहिए सॉल्युबल होने के लिए, टू बी सॉल्युबल। लैटिस एंथैल्पी ठीक है ना, मस्ट बी लेस देन इंथैल्पी ऑफ सॉल्वेशन। समझ गया? हाँ? Yes. और लैटिस इंथैल्पी जितना कम होगा उतना ज्यादा सॉल्युबल होगा, ठीक है ना। मतलब स्पेरिंगली सॉल्युबल के केस में इस दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है, इंथैल्पी ऑफ सॉल्वेशन हल्का सा ज्यादा होगा, इसीलिए बहुत कम घुलता है। और जो सॉल्युबल जिसको लिखे हैं उसमें इंथैल्पी ऑफ सॉल्वेशन काफी ज्यादा होता है लैटिस एंथैल्पी से, ठीक है ना। Yes. समझ में आया? Yes. कोई भी चीज सॉल्युबल कब होगा, जब उसका लैटिस एंथैल्पी सॉल्वेशन एंथैल्पी से कम होगा। समझ गया ना? Yes. स्पेरिंगली सॉल्युबल के केस में जो होगा लैटिस एंथैल्पी और सॉल्वेशन एंथैल्पी में ज्यादा अंतर नहीं होगा, सॉल्वेशन एंथैल्पी स्लाइटली ग्रेटर देन द लैटिस एंथैल्पी। किस केस में? किस केस में? और जो पहला दोनों कैटेगरी, जो फर्स्ट कैटेगरी पढ़ाया अभी, इसको सॉल्युबल लिखा है, उसमें सॉल्वेशन एंथैल्पी काफी ज्यादा होता है लैटिस एंथैल्पी से, इसलिए बहुत सॉल्युबल है। समझ गया ना? उसके बाद जो है सेकेंड कैटेगरी है वो भी सॉल्युबल है मॉडरेटली, उसमें भी जो इंथैल्पी ऑफ सॉल्वेशन है वो सफिशियंटली ग्रेटर है, इससे सफिशियंटली ज्यादा है ना, सफिशियंट अमाउंट में इससे ज्यादा है, इसलिए वो भी सॉल्युबल। लेकिन जब स्पेरिकली सॉल्युबल का बात करते हैं तो इसमें जो इंथैल्पी ऑफ सॉल्वेशन है इंथैल्पी ऑफ लैटिस से हल्का सा ज्यादा, स्लाइटली ग्रेटर है, इसलिए बहुत ज्यादा नहीं। आई बात समझ में ना? क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ? तो चूंकि हम लोग यहाँ पर इसका बात कर रहे हैं स्पेरिंगली सॉल्युबल का, तो जब ये घुलेगा तो जो घुल जाएगा वो तो आयन में बदल जाएगा, यानी ये इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगा, पूरा तो घुलेगा ही नहीं, पूरा जो है घुलेगा ही नहीं, तो इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होगा कि नहीं। आया बात समझ में? अनडिजॉल्व्ड मॉलिक्यूल और आयन इन सॉल्यूशन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, एक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगा। हम लोग किसका बात कर रहे हैं? इसका बात कर रहे हैं, कैटेगरी थ्री का। कैटेगरी थ्री में क्या होगा? सॉल्युबिलिटी बहुत कम है, स्पेरिंगली सॉल्युबल है, इसमें क्या होगा? अनडिजॉल्व्ड मॉलिक्यूल, ठीक है, इसका इक्विलिब्रियम किससे हो जाएगा? डिजॉल्व्ड आयन, उसका इक्विलिब्रियम किससे हो जाएगा? आयंस इन सॉल्यूशन, ठीक है ना, आयंस इन सॉल्यूशन। समझ गया? किसके लिए बात कर रहे हैं? कैटेगरी थ्री के लिए। तो इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होगा कि नहीं? जैसे वहां पर स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड है, पानी में डालते हैं तो इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश नहीं ना होता है, क्योंकि कंप्लीटली आयनाइज होता है तो इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश नहीं होता है। लेकिन जब हम वीक एसिड और वीक बेस को पानी में डालते हैं तो इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होता है कि नहीं, क्योंकि इनकम्प्लीट आयनाइजेशन होता है। तो उसी तरह से यहां भी हुआ, पहला दोनों कैटेगरी वाला जो है इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश नहीं करेगा, कैटेगरी वन और कैटेगरी टू जो अभी हम लोग देखे हैं वो दोनों इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश नहीं करेगा। लेकिन कैटेगरी थ्री जो है स्पेरिंगली सॉल्युबल है, ये इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश करेगा, क्योंकि पूरी तरह से आयनाइज नहीं हो, एक तो घुलता कम है, एक तो घुलेगा ही कम, ऊपर से आयनाइजेशन भी कम होगा, तो यहाँ इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होगा कि नहीं? तो ये इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग कुछ एग्जांपल लेकर के आगे बढ़ेंगे, ठीक है, उसमें से कुछ एग्जांपल लेकर के हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो जैसे हम लोग सिल्वर क्लोराइड का लेते हैं, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड थर्ड कैटेगरी में आता है।
समझ गया ना? यस सॉलिड है, ठीक है। तो इसमें हम लोग पानी डालेंगे, पानी में डाल दिए तो क्या बनेगा? Ag प्लस एंड Cl बनेगा। ये तो पानी में घुला हुआ है, ये भी पानी में घुला हुआ है, ये अनडिजॉल्व मॉलिक्यूल इधर बचा हुआ है और इधर आयन से दोनों में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया ना, हाँ ठीक है। अब लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम जब स्टैब्लिश करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकलेगा कि नहीं? लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम जब यहाँ पर अप्लाई करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिलेगा ना? यही ना होगा? यस। समझ गए इसको? तो अनडिजॉल्व मॉलिक्यूल और ये जो डिजॉल्व आयन है दोनों में इक्विलिब्रियम हो गया, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लोग निकाल लिए। हैं अब यहाँ पर ये तो बहुत कम डिजॉल्व हो रहा है, इसका आयनाइजेशन भी बहुत कम हो रहा है, इसके क्वांटिटी तो एस्पेरेंटली सॉल्युबल मतलब नाम मात्र, उसमें भी जब इसमें आयनाइजेशन भी नाम मात्र का हो रहा है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन तो कॉन्स्टेंट ही रहेगा ना? इसका कॉन्सेंट्रेशन तो कॉन्स्टेंट ही रहेगा ना? इसका कॉन्सेंट्रेशन कोई चेंज आएगा? 25 चलेगा। हाँ जैसे बताया तुमको कि एक चुटकी ले लो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक गिलास का एक बोतल पानी दो, एक गिलास छोड़ दो एक बोतल पानी दो और उसमें डाल दो एक चुटकी, समझ गए ना? पूरा स्टेक कर दो, दिन भर भी इंतजार करो नहीं भूलेगा वो एक चुटकी, फिल्टर करोगे फिर से वापस एक चुटकी मिलेगा, फिल्टर करोगे ना फिर से वो एक चुटकी मिल जाएगा, एक चुटकी फिर से मिल जाएगा, तो तुमको लगेगा कि कुछ भूला ही नहीं, ठीक है ना? लेकिन उसमें कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड पास कराओगे ना तो मिल्की व्हाइट हो जाएगा, इसका मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भूला है लेकिन नाम मात्र का भूला है, समझ गया ना? हमको तो पता नहीं चल रहा है, एक चुटकी दिए थे एक चुटकी वापस आ गया, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया? कॉन्स्टेंट ही रह गया ना, चेंज नहीं हुआ, तो वही हालत है यहाँ पर ना, इसका कॉन्सेंट्रेशन कॉन्स्टेंट ही रहेगा तो इस कॉन्स्टेंट को इस कॉन्स्टेंट के साथ क्यों नहीं मिला? समझ पाया? ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। अब दूसरा एक कांस्टेंट लाएंगे जैसे Ka Kb लाते थे, हाँ यस, तो यहाँ पर सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट आएगा, समझ में आई बात? हाँ यस। अब इसके लिए एक नया कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे Ksp, इसको बोलते हैं सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, इसको क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बोलते हैं, समझ गया ना? या सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट, समझ में आ गया? और जब इक्विलिब्रियम में स्टेबलिश, जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आया है तब तक ये आयनिक प्रोडक्ट का रहेगा। अब यहां पर दो वर्ड होगा, ठीक है ना? Ksp लिखा है ना, एक Kq होगा, है ना? एक होगा Kq, ठीक है? Kq या Ksp लिखते हैं पता नहीं क्या टर्मिनोलॉजी यूज किया है, इसमें यूज है नहीं किया, Qsp लिख, क्या लिखते हैं? Qsp का भी फॉर्मूला यही होगा, समझे? जब ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा तब हम ये वाला यूज करेंगे, अदर देन इक्विलिब्रियम रहेगा यही रहेगा, समझा? Qsp क्या हो गया? आयनिक प्रोडक्ट। ये क्या हो गया? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। और ये हुआ आयनिक प्रोडक्ट, समझ में आई बात? ये हुआ आयनिक प्रोडक्ट, ये हुआ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, है ना? आयनिक प्रोडक्ट का हम टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं जब ये इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश नहीं हुआ है, जब ये इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश नहीं हुआ है तब ये यूज होगा, और जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा
तो यही बस, समझ गया ना, दोनों एक ही चीज है बस सिचुएशन डिफरेंट है। ये इक्विलिब्रियम के कंडीशन में होगा और ये नॉन इक्विलिब्रियम के कंडीशन में, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये एक नया टर्मिनोलॉजी आया, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट भी बोल सकते हो, ठीक है ना, और ये कहाँ अप्लीकेबल है, सिर्फ स्पेरिंगली सॉल्युबल आयनिक कंपाउंड, ये कहाँ अप्लीकेबल है, स्पेरिंगली सॉल्युबल आयनिक कंपाउंड के लिए, ठीक है, आ गया समझ में बात, ठीक है, हाँ क्लास नहीं है, क्या चीज है, पढ़ाई नहीं ना होगा बेटा। अब हम लोग बहुत सारा कंपाउंड का एग्जांपल लेंगे, है ना, जैसे मान लो हम जिंक सल्फाइड लिए, ये सब स्पेरिंगली सॉल्युबल है, हम लिखे या ना लिखे, समझ गए, क्या बनेगा, Zn 2+ S2+, ठीक है, तो इसका आपके sp क्या निकलेगा, Zn 2+ S2- यही निकलेगा, हाँ? उसके बाद हम लोग लेते हैं एग्जांपल PbCl2, ठीक है, अब यहाँ वाटर लिख दोगे, यहाँ S लिख दोगे, इधर एक क्यू लिख दोगे, अब यहाँ हम छोड़ रहे हैं लिख दोगे, ठीक है ना, ठीक है, आगे आवाज सुन में, इसका KFP क्या होगा, Pb2+, इधर क्या हो जाएगा, Cl- पता है ना, कोफिशिएंट रहेगा, पावर हो जाता है, हाँ, उसके बाद हम लोग लेते हैं एग्जांपल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है, हो गया Mg2+ और 2OH- इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कितना हो गया, Mg2+ एंड OH- 2, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद हम लोग लेते हैं कैल्शियम फॉस्फेट Ca3PO4O2, ये क्या है, कैल्शियम फॉस्फेट, ये भी स्पेरिंगली सॉल्युबल है, हो जाएगा 3 Ca2+। अभी देखो एक दो पॉजिटिव दो नेगेटिव, दो पॉजिटिव और दो नेगेटिव हो गया ना, दो पॉजिटिव दो नेगेटिव, हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेम है, ध्यान देना है ना, 3 × 6 हो गया, 6 पॉजिटिव हो गया, 3 × 6 इसमें भी 6 ही होगा, तो यहां पर क्या हो गया, 3 कैल्शियम है ना, और साथ में क्या आएगा, यहाँ फॉस्फेट है ना, यहाँ पर क्या है, फॉस्फेट है, जिसके ऊपर कितना होता है, 3- होता है, ये क्या तो बना है, 3 × 6 पॉजिटिव और 6 नेगेटिव हमेशा बराबर है, समझ गया ना, चार्ज हमेशा क्या रहेगा, फिर KSP निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, Ca2+ और इसके ऊपर 3 हो जाएगा पावर, PO4 3- और इसके ऊपर पावर हो जाएगा, ठीक है, आ गया समझ में। उसके बाद हम लोग जिरकोनियम फॉस्फेट कर लेते हैं, Zr3PO4O4 होना चाहिए, ये हुआ जिरकोनियम फॉस्फेट, ठीक है, तो जिरकोनियम के ऊपर 4+ चार्ज होगा, ठीक है, और 3 जिरकोनियम आयन बनेगा, फॉस्फेट के ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज होता है, और कितना बनेगा, 4 आयन बनेगा, 4 × 12 है ना,
पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेम है, के एस पी इक्वल टू जिर्कोनियम 4+, इसके ऊपर पावर 3 हो जाएगा। उसके बाद फॉस्फेट 3 नेगेटिव चार्ज और पावर हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। अब इन जनरल, अगर हम एक कंपाउंड लें, इन जनरल अगर एक कंपाउंड लेते हैं AXBY, ठीक है, AXBY, समझ में आया, AXBY, 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 समझ में आया। अगर ऐसा हम एक जनरल कंपाउंड लेते हैं, ये सॉलिड है, तो क्या इक्वेशन बनेगा? पहला तो ए के ऊपर वाई पॉजिटिव चार्ज होगा, जिर्कोनियम के ऊपर क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज ये वाला है, तो ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज वाई हो जाएगा, हो जाएगा। और यहाँ कितना है एक्स है, यहाँ कितना है 3 है, तो 3 चौगुना, ये यहाँ पॉजिटिव चार्ज, और नंबर कितना हुआ ये ना, तो ये नंबर हो गया इसका एक्स के वाई प्लस, समझ में आया, तो लिखे हम। और दूसरा क्या बनेगा, ये ए क्यू, ठीक है, दूसरा जो है बी बनेगा, बी का तो फॉस्फेट के ऊपर चार्ज कितना आएगा 3-, यानी एक्स जो है इसके ऊपर ये हो जाएगा, इसका चार्ज हो जाएगा, होगा ना। और क्या टो है, बी वाई है, यानी ये वाई होगा, यहाँ 4 है ना, तो क्या टो होगा चार, समझ में आया, समझ में आया बात की नहीं है। तब इस पर के एस पी निकालेंगे, इन जनरल, इन जनरल हम निकालेंगे के एस पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए टू द पावर वाई प्लस, और इसके ऊपर पावर हो जाएगा एक्स, बी टू द पावर एक्स माइनस, और इसके ऊपर हो जाएगा पावर वाई, ठीक है। तो इन जनरल ये हो गया, समझ में आ गया, यही है हमारा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है ना, हाँ समझ में आया, के एस पी और क्यू एस पी का महत्व है, ठीक है, आ गया समझ में। अब देखो हम लोग डिसाइड, अब इसका वैल्यू क्या है, हमारे पास दो टर्मिनल है QSP एंड KSP, ठीक है ना, तो इससे हम लोगों को डिसाइड करना है कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा कि बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर QSP, अगर QSP कम है KSP से, अगर QSP कम है KSP से, ठीक है, इफ इफ QSP इज लेस देन KSP, तो ये धीरे धीरे KSP की तरफ बढ़ेगा, ठीक है, तो सॉल्युबल होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब सॉल्युबिलिटी होगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, यानी और भी सॉल्युबल होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा ना, आयनाइजेशन बढ़ेगा। इफ QSP इज ग्रेटर देन KSP तो रिएक्शन इज इन बैकवर्ड डायरेक्शन, मतलब सॉल्युबिलिटी और घट जाएगा, कम सॉल्युबल होगा, हाँ ठीक है, समझ में आया, यानी इस केस में सॉल्युबल हो जाएगा और इस केस में प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, इस केस में डिसॉल्यूशन होगा,
इस केस में क्या होगा, डिसोल्यूशन होगा मतलब और ज्यादा घुल जाएगा, और इस केस में क्या होगा, प्रिसिपिटेशन हो जाएगा। ठीक है, यही महत्व है इसका, केएसपी का, केएसपी और क्यूएसपी के वैल्यू से हम पता कर सकते हैं कि कब प्रिसिपिटेशन होगा और कब सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, आ गया समझ में? हाँ, उसके बाद हम लोग कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अब जैसे कि इसमें है, अगर मान लो कि सॉल्युबिलिटी मान लेंगे तो बन जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी को अब जो है इसमें और थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट कर लेते हैं उस रिलेशनशिप में। मान लेते हैं इफ द सॉल्युबिलिटी, ठीक है, इफ द सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी ऑफ ए एक्स बी वाई इक्वल टू एस मान लेते हैं, एक्स और बी वाई का सॉल्युबिलिटी एस मान लेते हैं, ठीक है ना। तो ये कितना बनेगा, एक्स एस बन जाएगा, बनेगा ना। ये अगर वन मोल है तो वन देगा, देखो सीधा बात है। अगर ये सिर्फ ए बी है तो कितना होगा, ए प्लस बी प्लस, ठीक है ना, बी माइनस, यही देगा। अगर यहाँ पर ए टू और बी थ्री है, ये कितना देगा, टू ए प्लस, है ना, आया बात समझ में। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी टू माइनस, यहाँ पर कितना आएगा, ए थ्री प्लस, ये कितना बनेगा, थ्री। तो जहां यहां जितना रहेगा उतने बनेगा, हाँ, तो एस के लिए एस बनेगा। तो इसलिए जब ये टूटेगा, ये तो टूट तोड़ के दिखा चुके हैं ना, तो ए एक्स बी वाई यही है, और ये टूट रहा है तो बनता है एक्स ए प्लस एक्स ए वाई प्लस ना प्लस वाई बी एक्स माइनस, यही लिखा हुआ है, यही है ना। हाँ, तो अगर इसका सॉल्यू ये एस लिए, अगर ये वन मोल है एस, अगर एक्स मोल एक्स है तो एक्स मोल बना, तो एस मोल है तो उतना ही बनेगा, एक्स एस बनेगा। ये फाइनल कॉन्सेंट्रेशन का बात कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, वाई एस होगा ना। ये अगर हम एस लेते हैं, जैसे वहां सी लेते हैं, हम यहां एस लिए तो पहले तो ये जीरो था, अगर ये एस है तो ये एक्स एस बनेगा, हाँ, क्योंकि ए एक्स है तो वहां एस ए बना, तो एस है तो एक्स एस बनेगा, और ये कितना बनेगा, वाई एस बनेगा ना। समझ में आ गया, ये सॉल्युबिलिटी अगर हम एस मान लेते हैं तो ए एच बी वाई का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा इस तरह से होगा एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो के एस पी क्या हो जाएगा, के एस पी वन ए, ए कितना है, एक्स एस है ना, एक्स एस, और पावर कितना हो जाएगा, एक्स ए वाई प्लस कितना है, एक्स एस, बिठा दिए सॉल्युबिलिटी, और बी एक्स माइनस ये भी तो वाई एस है, अब पावर कितना होगा, वाई, इस पर पावर एक्स है, एक्स पावर आया, इस पर पावर वाई है तो वाई आएगा। यानी सॉल्युबिलिटी के टर्म में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स टू द पावर एक्स, एक्स टू द पावर एक्स, फिर वाई टू द पावर वाई आएगा ना, और फिर एस टू द पावर वाई आ गया, ठीक है, समझ में आया, क्लियर। हाँ, अब ये एक्स है और ये वाई है, तो हम लिखेंगे एक्स टू द पावर एक्स और वाई टू द पावर वाई, ठीक है, और एस टू द पावर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई,
होगा ना हाँ, तो हमको क्या निकालना है सॉल्युबिलिटी ना, ये ना है सॉल्युबिलिटी एस टू दी पावर एक्स प्लस वाई, तो ये इधर जाके इसमें डिवीजन हो जाएगा के एस पी डिवाइडेड बाय एक्स टू दी पावर एक्स एंड वाई टू दी पावर वाई होगा ना। एस का वैल्यू निकालना है, ये इसके ऊपर पावर है तो उधर उल्टा के पावर हो जाएगा, होता है ना कि नहीं, मैथ में पढ़े हो ना, के एस पी डिवाइडेड बाय एक्स टू दी पावर एक्स एंड वाई टू दी पावर वाई, और इसके ऊपर पावर हो जाएगा वन अपॉन एक्स प्लस वाई, होता है ना yes. है? जैसे यहाँ पर है, मान लो कि हम लिए हैं ए टू द पावर टू इक्वल टू फोर, तो ए इक्वल टू क्या होता है फोर टू द पावर हाफ, होता है ना, होता है कि नहीं होता है, क्या अलजेब्रा पढ़ा गया। जैसे अब ए टू द पावर थ्री है इक्वल टू फोर, तो ए इक्वल टू हो जाएगा फोर टू द पावर वन बाय थ्री, समझ गया, पढ़ना अलजेब्रा में, ठीक है, समझ गया। तो इस तरह से हम लोग सॉल्युबिलिटी निकालना सीख गए, तो हम लोग सॉल्युबिलिटी भी निकाल सकते हैं इससे, समझ गए, कॉमन आयन इफेक्ट तो पढ़ाए दिए हैं, ठीक है, तो कुछ बचा है इसमें, तो ये तीन एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी, कैलकुलेशन ऑफ द सॉल्युबिलिटी। अभी तुरंत फॉर्मूला पढ़े है ना, अभी तुरंत फॉर्मूला पढ़े, एस इक्वल टू के एस पी, क्या फॉर्मूला पढ़ा है अभी तुरंत, एक्स टू द पावर एक्स वाई टू द पावर वाई, यही है ना, एंड टू द पावर वन बाई यही है ना, ये फॉर्मूला है, इसी से हम लोग किसी का भी सॉल्युबिलिटी निकाल सकते हैं। जैसे कि हम लोग अगर एग्जांपल लेते हैं जिरकोनिया फॉस्फेट जेड आर थ्री पी ओ फोर होल, इसका हम लोग सॉल्युबिलिटी निकालेंगे, ठीक है ना, इसका हम लोग निकालेंगे, कैसे निकालेंगे हम लोग, तो सॉल्युबिलिटी निकालने के लिए के एस पी लिखना होगा ना, है yes. ठीक है, तो पहले हम लोग इसका क्या लिखेंगे, थ्री जेड आर फोर प्लस है ना प्लस फोर पी ओ फोर थ्री माइनस, यही लिखाएगा है yes. तो हम लोग के एस पी निकाल लेंगे, उसी से सॉल्युबिलिटी निकल जाएगा है, अगर ये फॉर्मूला हमको नहीं याद नहीं रहता है तो हम लोग के एस पी ही निकाल लेंगे डायरेक्ट है yes. तो के एस पी क्या है इसका, जेड आर फोर प्लस पावर थ्री यही ना है प्लस पी ओ फोर थ्री माइनस यही ना है। अगर सॉल्युबिलिटी एस मान लें ये क्या हो जाएगा, एस टू द पावर थ्री हो जाएगा ना, एस टू द पावर थ्री हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, तो यहां पर क्या है थ्री एस टू द पावर थ्री थ्री जेड आर है ना yes. हाँ? और ये क्या फोर है ना, हो जाएगा फोर एस टू दी पावर फोर, क्या हो जाएगा, अब सबको मल्टीप्लाई करना होगा, थ्री क्यूब इंटू फोर टू दी पावर फोर और एस टू दी पावर थ्री प्लस फोर आया ही yes. आ गया ना हाँ? yes. तो हम आराम से इसको यूज कर सकते हैं हाँ? तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 6912 6912 एस टू दी पावर सेवन। अब सॉल्युबिलिटी निकालेंगे तो
एस टू दी पावर 7 इक्वल टू क्या होगा, के एस पी बाय 69 इक्वल टू, एस इक्वल टू क्या होगा, के एस पी बाय 6912 टू दी पावर 1/7 आया नहीं है, वही चीज यहाँ आ जाएगा ना, के एस पी एक्स टू दी पावर एक्स है ना, एक्स टू दी पावर एक्स, एक्स टू दी पावर एक्स हुआ हाँ, और वाई टू दी पावर वाई मिला कि नहीं, और 1/x + 3+4 7 आया। तो पहला एप्लीकेशन क्या होगा, कैलकुलेशन ऑफ द सॉल्युबिलिटी, समझ में आ गया, क्लियर। अब इसमें हम लोग जो है क्या पढ़ाए थे, क्यू एस पी लेस देन के एस पी, दोनों कैलकुलेट कर लेंगे, तो इसमें क्या होगा, डी सॉल्यूशन होगा, यानी प्रिसिपिटेशन नहीं होगा और सॉल्यूशन मतलब ये घुल जाएगा है, इसको हम लोग कैलकुलेटेड आयनिक प्रोडक्ट भी बोलेंगे। दूसरा क्या होगा, क्यू एस पी ग्रेटर देन के एस पी, यानी ये प्रिसिपिटेशन होगा, घुलेगा नहीं, तो हम पता कर सकते हैं कि कौन चीज घुलेगा और कौन चीज नहीं घुलेगा, ठीक है, समझ में आया है। अब हम लोग ये तीसरा चीज देखते हैं, ठीक है, प्रेसिपिटेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट, जैसे नमक पानी में घुला हुआ है, NaCl जो है पानी में घुला हुआ है, तो ये क्या बना, Na+Cl-, ये घुला हुआ है, हमको प्रेसिपिटेट कराना है, NaCl ऐसे लिखे है ना, यहाँ वाटर, ठीक है, नमक जो है पानी में घुला हुआ है, नमक को 100% प्योर निकालना है उससे, तो क्या करेंगे मालूम है, HCl गैस पास करेंगे, HCl गैस पास कराएंगे, तो क्या होगा, ये H+ और Cl- दे देगा, H+ दे देगा और Cl- दे देगा, ये Cl- बढ़ जाएगा, जब ये अकेले था तो ये KSP था, तो इसका फॉर्मूला क्या था, Na+Cl-, यही ना है, अब ये जब उसमें डाल दिए तो Cl- बढ़ गया ना, जब इसको हम डाल दिए उसमें ऐड कर दिए, एडिशन लिख दिया हमने, एडिशन ऑफ HCl गैस, तो Cl- बढ़ गया कि नहीं, अब QSP हो जाएगा, QSP हो जाएगा, Na+Cl-, Cl- यहाँ ज्यादा है ना, है ये Cl- पहले से है, ये भी Cl- आ गया, ज्यादा हो गया, तो QSP बढ़ गया, ये न्यूमरेटर है ना, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा कि नहीं, Cl- बढ़ गया ना, ये दोनों ऐड हो जाएगा तो ये बढ़ जाएगा कि नहीं, तो QSP ज्यादा हो गया KSP से, therefore QSP is greater than KSP, क्या होता है, QSP जब KSP ज्यादा होगा क्या होगा, प्रेसिपिटेशन मतलब नमक बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो यहां पर क्या होगा, प्रेसिपिटेशन ऑफ NaCl, नमक का क्रिस्टल 100% प्योर तैयार होके बाहर आ जाएगा, आ गया समझ में कि नहीं, हाँ, क्योंकि जो नमक है, जो समुद्र का पानी है, उसमें और भी सॉल्ट होते हैं, क्या क्या सॉल्ट होगा, मैग्नीशियम सल्फेट रहेगा, ठीक है, सोडियम सल्फेट रहेगा, जो हम सी वाटर लेते हैं, सी वाटर में क्या क्या रहेगा, NaCl रहेगा, साथ में मैग्नीशियम सल्फेट रह सकता है,
कैल्शियम भी रह सकता है, कुछ भी रह सकता है, बहुत सारा चीज रहेगा। हार्ड वाटर है तो कैल्शियम मैग्नीशियम तो रहेगा ही ना। सोडियम क्लोराइड के साथ साथ सोडियम सल्फेट भी हो सकता है, कैल्शियम सल्फेट भी हो सकता है ना। तो ये सारा चीज रह जाएगा पानी में घुला हुआ। अभी तो ये सब घुला हुआ, ये सारा चीज सी वाटर में है, ये सारा चीज सी वाटर में है, ठीक है। हम उसमें HCl गैस पास कराए, Cl माइनस बढ़ गया, QSP KSP से बढ़ गया, ठीक है। तो क्या होगा, प्रेसिपिटेशन, नमक निकल गया पानी से बाहर और ये सब पानी में ही रह गया। क्रिस्टलाइजेशन क्या था ना, है? तो उसमें जो पानी बच रहा है उसको मदर लीकर बोलते हैं, उसमें ये सब रह गया और ये क्रिस्टल बन के नीचे जमा हो गया। पानी निकाल दिए, क्रिस्टल जो बचा था उसको ड्राई कर लिए। समझ में आया, हाँ। क्रिस्टलाइजेशन में जो हम लोग करवाए तो उसमें क्या था, पानी बचा हुआ था ना, हाँ, नीचे क्रिस्टल जमा हो गया था। तो वहां पर हम लोग कॉन्सेंट्रेट करके गर्म करके किए थे, यहाँ वो नहीं किए, यहाँ पर प्रोसेस बदल दिए, हम लोग HCl गैस पास करा दिए। यानी यहाँ पर हम लोग सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट यूज किए, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट यूज किए। ये जैसे HCl गैस पास कराए, बस क्लोराइड आयन बढ़ गया काफी ज्यादा, ऐसे भी जानते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। अगर हम सॉल्युबिलिटी नहीं देखें, कॉमन आयन इफेक्ट देखना शुरू कर देंगे, क्या देखना शुरू कर देंगे, कॉमन आयन इफेक्ट पढ़ाया ना। कॉमन आयन इफेक्ट में क्या होता है, प्रोडक्ट वाला कोई भी चीज का कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ा देते हैं तो बैकवर्ड रिएक्शन होने लगता है। तो यहाँ पर Cl- आयन बढ़ गया कि नहीं, तो बैकवर्ड रिएक्शन शुरू हो जाएगा ना। तो बैकवर्ड रिएक्शन में क्या बनेगा, NaCl क्रिस्टल बनेगा ना। तो उस तरीके से भी देख सकते, तो कॉन्सेप्ट अप्लाई करने पर बैकवर्ड रिएक्शन फेवर हो गया कि नहीं। जैसे HCl गैस पास कराए, ये दोनों कॉमन है ना, तो कॉमन आयन इफेक्ट आया कि नहीं, हाँ, तो कॉमन आयन इफेक्ट का भी एप्लीकेशन हो गया कि नहीं। कॉमन आयन इफेक्ट के चलते क्लोराइड आयन बढ़ा, तो बैकवर्ड रिएक्शन फेवर हो गया लीचेट रिए प्रिंसिपल के हिसाब से, हाँ। तो ये दोनों कंबाइन करने लगा, ये जो एक्स्ट्रा Cl- माइनस आया इसे कंबाइन करने लगा और NaCl बनकर तैयार होने लगा और नीचे जमा होने लगा। बाकी जो ये है, ये है, ये है और भी बाकी जो भी है सब पानी में घुला हुआ है, घुला हुआ है, क्योंकि किसी के पास क्लोराइड नहीं है। जो क्लोराइड है वही प्रेसिपिटेट होगा, बाकी प्रेसिपिटेट नहीं होगा, जो क्लोराइड है वही सब प्रेसिपिटेट करेगा ना। तो इस तरीके से हमको, चूंकि पानी में तो क्लोराइड के रूप में ही रहता है, ये प्रेसिपिटेट कर गया, तो नमक हमको मिल गया। बाकी जितना भी अनवांटेड केमिकल था वो पानी में ही रह गया और हमको प्योर 100% प्योर नमक का क्रिस्टल मिल गया। आई बात समझ में, समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है प्रेसिपिटेशन। तो ये तीन मेन एप्लीकेशन है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है। आ गया बात समझ में, क्लियर। सो इन दिस वे दिस चैप्टर गेट्स ओवर, ठीक है। और हेंस फर्दर आई विल बी डिस्कसिंग द ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है।